राप्ती नदी उफान पर प्रशासन ने जारी किया अलर्ट, जलस्तर 129.50 के पार जाने की जताई आशंका। नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं आरिफ खान और आप देख रहे हैं श्रावस्ती टुडे न्यूज। बता दें कि श्रावस्ती जिले में जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी करते हुए कहा कि नेपाल राष्ट्र के कुसुम बैराज के जलस्तर को देखते हुए नदी का जलस्तर रात 12 बजे से 2 बजे के बाद 129.50 से ऊपर जाने की आशंका जताई है। राप्ती नदी उफान पर है, नदी ने अपना ही 33 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। शुक्रवार को जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी करते हुए कहा कि नेपाल राष्ट्र के कुसुम बैराज के जलस्तर को देखते हुए नदी का जलस्तर रात 12 बजे से 2 बजे के बाद 129.50 से ऊपर जाने की आशंका जताई गई है। इसलिए प्रशासन ने अभी से सावधानी बरतते हुए राप्ती नदी के तटवर्ती गांवों को सतर्क रहने को कहा है। जिला प्रशासन लगातार स्थिति पर नज़र बनाए हुए है। बता दें कि गुरुवार को राप्ती नदी ने सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए 129.10 मीटर का आंकड़ा पार कर चुकी है। नया रिकॉर्ड बनाने के लिए नदी लगातार बढ़ रही है। ये रिकॉर्ड 12 जुलाई 1979 से अधिक है, जबकि लगातार बारिश व पहाड़ों से आए पानी के कारण नदी का जलस्तर सबसे अधिक था। राप्ती नदी वैसे तो श्रावस्ती के लिए जीवनदानीय है, लेकिन बरसात के समय में ये किसी शौक से कम नहीं है। इस नदी में नेपाल के पहाड़ों सहित जिले के मैदानी क्षेत्र में होने वाली वर्षा का पानी एकत्रित होकर बहता है। पहले की बाढ़ के आंकड़ों से इतर देखा जाए तो 1978 से लेकर 1983 तक प्रतिवर्ष आई बाढ़ ने इतनी तबाही नहीं मचाई कि कई गांव विस्थापित हो गए। यहां तक कि भारत नेपाल के बीच की सरहद का निशान ही बदल गया। 1979 में आई बाढ़ ने लोगों को अंदर तक खिलाकर रख दिया। यह वो समस्या था जब इस बाढ़ की विभीषिका को देखने के लिए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी हवाई सर्वे करना पड़ा। 12 जुलाई 1979 की रात से प्रारंभ हुई बरसात 14 जुलाई 1979 तक अनवरत होती रही। पहाड़ों पर हुई व्यापक वर्षा से 16 जुलाई 1979 को हाई फ्लड लेवल, जो उस समय भकला नाले पर रिकॉर्ड किया गया था, वहां 119.820 दर्ज किया गया था, जबकि यहां का न्यूनतम जलस्तर 117.65 मीटर था। ये श्रावस्ती के इतिहास में पूर्व में ही दर्ज बाढ़ में सबसे बड़ा आंकड़ा था, लेकिन इस आंकड़े को राप्ती ने इस वर्ष खुद ही तोड़ दिया। 4 अक्टूबर की रात 2:30 बजे से लगातार हो रही बरसात ने अपने ही आंकड़े को पीछे छोड़ दिया। राप्ती नदी बैराज पर नदी का जल स्तर गुरुवार सुबह 8 बजे तक 129.10 मीटर दर्ज की गई है। ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। उम्मीद है कि ये आंकड़ा 130 को पार कर सकता है। भारी तबाही की आशंका भी जताई जा रही है, इसीलिए प्रशासन ने सभी को पहले से अलर्ट घोषित